जनपद में 3 अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि 3 अगस्त को एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें 10,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। अभी तक 60 कंपनियों ने अपना मेले में आने के लिए अप्रूवल दे दिया है जिसमें 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने की संभावना है और अभी 2 दिनों में कुछ और कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि कम से कम 100 कंपनी रोजगार मेले में शामिल होंगे। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं इस संबंध में CDO संजय कुमार मीणा ने कहा कि जनपद में जितने भी ITI कॉलेज हैं और कौशल विकास मिशन के तहत योजनाएं चल रही हैं, गोरखपुर मंडल के 4 जनपदों को मिलाकर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जो कि सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 90 से ज्यादा कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा जिसमें सभी तरह के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। 10,000 अभ्यर्थियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में टाटा मोटर्स, L&T, महिंद्रा, मारुति, ओप्पो, पेटीएम, वी मार्ट सहित अन्य कंपनियां भाग लेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जैसा आप सभी अवगत हैं कि जो हमारे जितने भी जनपद में ITI हैं, जितने भी कौशल विकास मिशन के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं और इस पूरे मंडल के 4 जनपदों को मिलाकर एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। यह मेला दिनांक 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इस मेले में लगभग अभी 90 से ज़्यादा कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा विभिन्न स्ट्रीम्स में, जिसमें ऑटोमेशन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल है, सिविल है और शॉपिंग कंपनीज भी हैं। इनके द्वारा लगभग मोर देन 10,000 वैकेंसीज जो है बताई गई हैं, जिसमें जो भी हमारे मंडल के 4 जनपद हैं वहाँ से जो भी प्रतिभागी, जो भी युवा यहाँ आएंगे, उनको उनकी मेरिट के हिसाब से रोज़गार दिया जाएगा। सर, कुल कितनी कंपनियाँ रहेंगी और कितनों का लक्ष्य रखा गया देने के लिए? देखिए, लगभग अभी जो कंफर्मेशन हो गया, लगभग 90 कंपनियाँ आ रही हैं, उनमें से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कुछ टाटा मोटर्स है, L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, ओप्पो है, पेटीएम, वी मार्ट, तो इस तरीके से हम लोगों ने करीब 90 कंपनियों का कंफर्मेशन ले लिया है और लगातार जारी है। हो सकता है हम 100 क्रॉस भी कर जाएं और जो टोटल इनके द्वारा वैकेंसी बताई गई है वो करीब 10,000 वैकेंसी है। तो हमारे जो टारगेट है, हम मिनिमम 6,000 से 7,000 प्लान कर रहे हैं कि कम से कम इतने युवाओं को हम रोज़गार दे सकें। तीन तारीख को एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन कराया जा रहा है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में। कार्यक्रम में नियरली 10,000 से अधिक बच्चे आएंगे और अभी तक 60 कंपनी के आसपास ने अपना कंसेंट दे दिया है। इसमें 5,000 से 6,000 के आसपास रोजगार सृजन की संभावना है। इसके अतिरिक्त अभी 1-2 दिन और हैं, इसमें भी मैक्सिमम कंसेंट आने की संभावना है। हम लोगों ने लक्ष्य यही बनाया है कि कम से कम 100 कंपनी यहाँ उपस्थित हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया जा सके। हाँ, कुछ अच्छी बड़ी कंपनी भी आ रही हैं एंड और भी लोगों से बात चल रहा है और शासन इसमें काफ़ी हमें मदद भी कर रहा है। तो वहाँ से भी अलग अलग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, MSME डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोग भी कोऑर्डिनेट करके अच्छी कंपनीज भेज रहे हैं। सर, आप घर से कुछ अपील करना चाहेंगे? जो भी अपना क्वालिफिकेशन है, डिग्री, सारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करा के अच्छे से इंटरव्यू दें, अपने आप को एक्सप्रेस करें ताकि मैक्सिमम को जॉब मिल सके।